भागलपुर में एक बैंक मैनेजर की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर स्टेशन के समीप अमरपुर के बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर मिहिर मिश्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर रेल थाना की पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर के निवासी विभास मिश्रा के पुत्र मिहिर मिश्रा बांका जिला के अमरपुर में करीब 8 साल से बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह मृतक मिहिर मिश्रा मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। सर 5:30 बजे ये घटना है, एक मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे, जो कि हम लोग को पता जान रहे थे कि मॉर्निंग वॉक सुबह रोज जाते हैं, लेकिन फिर भी जब इसको लेट हुआ तो घर से निकला पापा और बहन इसके कि देखिए हम लोग देखें कहाँ लेट हो गया, आते हैं तो रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ था। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव के बगीचे में गोराडी गांव के नवम क्लास में पढ़ने वाले मनीष कुमार ने अंगारी गांव की 10वीं में पढ़ने वाली सपना कुमारी के साथ बगीचे में शादी रचा ली। आसपास के बच्चों ने जब देखा तो लड़की के परिजनों को इसकी सूचना दी। लड़की के परिजनों ने लड़का के साथ मारपीट भी किया और पुलिस को सूचना दी। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष विपिन बिहारी द्वारा मौके पर पहुंचने के बाद परिजनों ने कहा कि जब दोनों की शादी हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वहीं डीएसपी ने कहा कि आवेदन किसी ने नहीं दिया है और देखने से दोनों जोड़े बालिग लग रहे हैं। फिलहाल वर वधु दोनों सपना के घर पर हैं और लड़के के पिता को बुला रहे हैं। आपको बता दें, नाबालिगों के बीच इस तरह के प्रेम प्रसंग का मामला जोरों पर है और अपने पुत्र पुत्रियों के बिगड़ने को लेकर माता पिता और परिवार वाले असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं इस क्षेत्र में घट चुकी है जहां नाबालिगों का प्रेम प्रसंग उफान पर दिखा। पापा क्या नाम है? इसका बाबूजी आ रहा है, बाबूजी। भोजन में चिकन बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक पति और पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इस दौरान पति ने अपनी पत्नी को थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद महिला पूजा मूर्छित हो गई। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज की रहने वाली पूजा ने 1 वर्ष पहले इसाक चक के विष्णु से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद पूजा अपने पति के घर पर रह रही थी। पूजा को चिकन खाने की इच्छा हुई और अपने पति को बाजार से चिकन लाने के लिए कहा, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण विष्णु हरी सब्जी लेकर घर पहुंचा, जिससे नाराज होकर पूजा अपने काम करने वाली जगह रेस्टोरेंट पहुंच गई। गुस्साया विष्णु पूजा के पास पहुंचा और दोनों में तीखी झड़प होने लगी। इसी बीच विष्णु ने आपा खोया और पूजा को तमाचा जड़ दिया, जिससे पूजा बेहोश हो गई। आनन फानन में रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने इसकी सूचना डीआईजी सुजीत कुमार को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बरारी और तिलकामांझी थाना पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और एक गृहस्थ जीवन जीने वाले परिवार को टूटने से बचा लिया। भागलपुर के कहलगांव हार्ट रोड स्थित पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में किराए के मकान में संचालित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हथियारों से लैस लुटेरों ने देर शाम लूटकांड को अंजाम देते हुए 4,50,000 रुपये और बैंक कर्मचारियों के 5 मोबाइल भी लूट लिए। आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे लुटेरों ने 15 मिनट के अंदर लूट की घटना को अंजाम देते हुए वहां से फरार हो गए। भागने के दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से 2 राउंड गोली भी फायर की। लूटपाट का विरोध करने पर पिस्तौल की बट से ने 3 कर्मचारियों पर वार किया, जिसमें कैशियर गुलशन कुमार घायल हो गया, जिसे अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं क्रेडिट ऑफिसर हिमांशु कुमार और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जयप्रकाश राम चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव एसडीपीओ रेशु कृष्णा और कहलगांव थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। एसडीपीओ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी अपराधी युवक थे और सभी हथियारों से लैस थे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, लूटी गई रकम के बारे में जानकारी ली जा रही है और उस समय 4-5 लोग यहाँ पे घुसे हैं और यहाँ जो कैश इनके पास था वो लेके गए। कितना कैश गया होगा? अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ एग्जैक्टली नहीं, 2-3 लाख लगता है।
वहीं बैंक के शाखा उप प्रबंधक जयप्रकाश राम ने बताया कि करीब देर शाम 5-6 हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसे और बैंक का प्रवेश द्वार बंद कर लूटकांड को अंजाम दिया और करीब 4 लाख रुपए की लूट कर ली। बैंक के कलेक्टिंग एजेंट द्वारा राशि संग्रह कर लाया गया था, जिसे कैश काउंटर पर जमा करने की प्रक्रिया चल रही थी और इसी क्रम में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इसी के बीच में जो है कि अपना आए लोग और पांच आदमी थे, पांचों के पास हथियार था और सभी के सामने तान दिए, बोले जल्दी से पैसा दे दो। 3 टैप उस काउंटर से, 2 टैप और कैसे काउंटर से 1 टैप लिए, मेरा 2 मोबाइल लिए और DM सर का भी जो है लैपटॉप ले लिए थे लोग और मोबाइल भी उनका ले लिए, बाद में लैपटॉप मतलब बाहर में। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मजदूर की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के छोटी चांदपुर निवासी 30 वर्षीय बिक्की पासवान के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शी साथ काम करने वाले अंगद शाह ने बताया कि बिक्की नदी में बालू उठाने का काम करता था। आज भी काम करने के लिए महमूदा नदी गया था, जहाँ काम करने के लिए बुलाने वाले मुठिया ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आनन फानन में इसकी सूचना मजदूरों ने जगदीशपुर पुलिस को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं लोग दबी जुबान में अवैध बालू उठाने को लेकर बिक्की की हत्या किए जाने की बात कह रहे हैं। फायरिंग ऊपर कर लगा और दूसरा है कर मार दिले। कौन मारा? मोतीलाल। पूरा नाम बताइए उनका। तो मोतीलाल मंडल काम करे लिए खेतों में, बुझल नी तो हुन्ना से अल मैंने एक आसमानी फायरिंग कर लगा है मोतीलाल आप हम नीचे काम करी के बैठल लिए, बस आबी के बस सड़ाक से एक गोली आरू चला दिल के बाद हाँ 2 गोली चलो जी। कहाँ के खतान में काम करते हैं? मधेपुर में। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की चर्चा इन दिनों पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी सुर्खियों में है, जिसको लेकर बिहार के NDA के घटक दल BJP और JDU भी एक मत नहीं है। BJP जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के पक्ष में है, वहीं JDU शिक्षा से लोगों को जागृत कर इस पर अंकुश लगाना चाहती है। वहीं महागठबंधन के घटक दल के नेताओं के द्वारा एक सुर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार के द्वारा नए जनसंख्या कानून बनाए जाने की चर्चा पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने और देश को गुमराह करने के लिए नए नए कानून लाने की बात करते हैं। अगर BJP के नेता देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं तो सबसे पहले UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देकर देश के सामने नजीर पेश करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता की 6ठी संतान है। अजीत शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण की बात तो की, लेकिन उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हुए कहा कि लोगों को शिक्षित कर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। आपको तो उदाहरण स्वरूप आपको जो हमारे आदरणीय जोगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो 6ठे संतान है अपने माता पिता का, उनको तो पहले त्याग पत्र देना चाहिए पद से और नमूना पेश करना चाहिए कि मैं 6ठा पुत्र था माता पिता का, मैं देता हूँ त्याग पत्र। आप अपने तो कुछ करिएगा नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह करने का कि आप एक नई चीज लाए हैं। अरे जब शिक्षित होंगे बच्चे बच्चियाँ, निश्चित तौर पर सब लोग समझते हैं कि बच्चे बच्चियाँ को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, खर्चे आते हैं, सब लोग अपने आप कम कर रहे हैं। वहीं RJD के नाथनगर से विधायक अली असरफ सिद्दीकी ने कहा कि सभी व्यक्ति अपना आहार लेकर दुनिया में आता है। राजद विधायक ने जनसंख्या कम करने को लेकर कई तरह के उपाय पहले के सरकार के द्वारा किए जाने की बात करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा किए गए उपायों का कोई हल नहीं निकला। साथ ही अली असरफ सिद्दीकी ने कहा कि आबादी कम करके क्या किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह इस कानून का विरोध करते हैं। देखिए, कानून लाना तो केंद्र सरकार का अपना या मोदी जी का अपना आइडियोलॉजी है, विरोध करना भी अपना आइडियोलॉजी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज से बहुत पहले इमरजेंसी के ज़माने में जनसंख्या को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए, क्या सक्सेसफुल हुआ और हर आदमी अपना आहार लेके पैदा होता है ना। और आप ये सोचिए कि आप आबादी कम करके क्या कर लेंगे। चीन ने आबादी को नियंत्रण करना बंद कर दिया, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश है।
भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान भू अर्जन और जिले के तकनीकी विभाग के अधिकारी और इंजीनियर शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। डीएम ने पुल निर्माण विभाग के द्वारा जिले में बन रहे विभिन्न पुल पुलिया की अद्यतन रिपोर्ट को जाना। वहीं पथ निर्माण विभाग के द्वारा जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही लघु जल संसाधन विभाग और भवन निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली और काम में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता राजेश राजा, डीडीसी सुनील कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के द्वारा निकाली गई टीकाकरण जागरूकता रथ भागलपुर पहुंची। बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कईम अंसारी के नेतृत्व में 15 मई को मोतिहारी से निकला जागरूकता रथ कई जिलों का दौरा कर भागलपुर पहुंचा, जहां समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय के समीप जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जनाब अब्दुल कईम अंसारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार लोगों का टीकाकरण करवाने का कार्य कर रही है। अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अगले 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा अल्पसंख्यक समाज को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से उनके नेतृत्व में जागरूकता रथ निकाला गया है। अभी हम भागलपुर में आया हूँ, ये मौका है कि पूरे बिहार में जनाब नीतीश कुमार वगैरह बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। इसी हदफ को पूरा करने के लिए बिहार स्थित मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने एक कोरोना वैक्सीनेशन बेदारी रथ जारी किया है और उसको लेकर मैं पूरे बिहार में जा रहा हूँ। इसकी कजरेली थाना क्षेत्र अंतर्गत भागलपुर अमरपुर मार्ग पर प्रशिक्षु डीएसपी सह कजरेली थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रशिक्षु डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि यह रूटीन अभियान है। वाहन चालक से मास्क, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागजात एवं प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि देखे जा रहे थे। मास्क नहीं पहनने वाले कुछ चालकों से फाइन भी वसूला गया। अचानक से किए गए इस अभियान के कारण कुछ चालक इधर उधर भागने भी लगे। आए दिन बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी, घरेलू गैस के दाम में भारी उछाल सहित प्रतिदिन रसोई घर में काम आने वाले सरसों तेल के दाम में भारी उछाल को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। एक तो वैश्विक महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है और ऊपर से सरकार का बेरुखा व्यवहार और घोर महंगाई के चलते आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष निर्मल कुमार चिक्कू ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए। अपने संबोधन में सेवा दल के प्रदेश सचिव बम्बम प्रीत ने एनडीए की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सरसों तेल और घरेलू सिलेंडर के बढ़ते कीमत पर प्रदेश महासचिव अनामिका शर्मा ने कड़ा एतराज जाहिर किया और इसे महिला विरोधी कदम बताया। पुतला धन के इस कार्यक्रम में बम्बम प्रीत, बिट्टू झा, अभिषेक झा, राहुल सन्नी, अमर शर्मा, संतोष सिंह, आशीष झा सहित सभी प्रखंड के अध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे त्रस्त होकर आज कांग्रेस की सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज हम विरोध करने बैठे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं और इस कार्यक्रम के अनुसार हम केंद्र सरकार से आगाह करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को वापस लें, महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को दूर करें। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी ताकि क्या करेंगे? हम इस आंदोलन को और तेज बढ़ाएंगे क्योंकि